हम लोग बनाने जा रहे हैं काले चने का सालन, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे, इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 अदद प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, अदरक लहसुन कुटा हुआ पिसा हुआ, ग्रैंड वो पेस्ट नहीं डालना। हर चीज़ आपने सिंपल तरीके से बनानी है। जितना आप सिंपल जिएंगे, जितना आप सिंपल खाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सिंपल खाने इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, और सिंपल खाने जो होते हैं वो इंसान को बीमारियों की तरफ नहीं लेके जाते। ये अदरक लहसुन कूटा हुआ है, ये ऑयल है, और ये टमाटर हैं, और ये काले चने हैं। और मसाला जात में मैं घर के मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर है ये पिंक सॉल्ट है, जो हमारा पत्थर वाला सॉल्ट होता है, ये घर में कुटा हुआ सॉल्ट है, जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, वाइट सॉल्ट नहीं है। ये हल्दी है, ये भी घर में कुटी हुई है, ये मैंने सब्जी वाले से ली थी और उसको ड्राई करके उसको घर में कूट लिया है। ये मिर्चें भी घर में कुटी हुई हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये सूखा धनिया है जो भून के कूट लिया गया है, ये थोड़ा सा राई दाना है, ये थोड़ी सी अजवाइन है, और ये थोड़ी सी कलौंजी है, और ये गरम मसाला जो भून के कूट लिया गया है। आए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपने पैन में या जिस बर्तन में आप बनाना चाहें उसमें आप डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आप उसके अंदर शामिल कर दें प्याज। प्याज शामिल करने के बाद आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है, 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है, ताकि प्याज अपना कलर चेंज कर ले और ब्राउन कलर में आ जाए, यानी कि इसको अच्छी तरह प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये प्याज अब ब्राउन हो चुके हैं। आपने इतने प्याज ब्राउन करने हैं, इतने प्याज ब्राउन करने के बाद इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दें, हंसते जरूरत जितना भी आप लोग पसंद करते हैं। इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है, अदरक लहसुन को आपने अच्छी तरह भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। आपने एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेना। आपने इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन अच्छी तरह बीच में भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, 3 से 4 अदर टमाटर बारीक बारीक आपने काट लेने हैं। ये जो सालन है ये सिंपल, इजी और टेस्टी है। ये आपका, ये घर का खाना है, यानी कि ये आपका वेट भी लूज करेगा, एक आप ये ताकतवर है, और ये सिंपल है। आप जितना सिंपल खाना खाएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप जितने मसाले यूज़ करेंगे, बाहर के मसाले, और उससे आपके स्टमिक में प्रॉब्लम आएगा, मेदे का प्रॉब्लम आएगा, जिससे आप बीमारियों की तरफ जाएंगे और आपकी एज कम होगी। आप जितना सिंपल खाएंगे, सादा खाना खाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ जो है वो बढ़ेगी और आप लाइफ में बीमारियों से बचे रहेंगे। ये आपने इसको 4 से 5 मिनट तक भूनना है टमाटर, ताकि अंदर बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाए और एक मसाला तैयार हो जाए। अब आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दें, ताकि टमाटर अच्छी तरह मसाले में घुल जाए, ताकि नरम होकर टमाटर अच्छी तरह मसाले में घुल जाए और आपका एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह भूनना है। आपका मसाला जितना अच्छी तरह तैयार होगा, उतना ही आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा, जो खाने में भी टेस्टी होगा और देखने में भी खूबसूरत। और अभी हमने इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है हल्की आंच पे, दम पे पकने के लिए। ये देखिए, इसको कवर कर देना है। इसको आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना। ये देखें गाइस, ये आपके टमाटर अच्छी तरह बीच में, ये इस तरह का मसाला तैयार हो जाएगा। टमाटर बिल्कुल
बिल्कुल सॉफ्ट होके नरम हो जाएंगे बीच में। अब इसमें हमने ऐड कर देनी है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला जार, जिसके अंदर हम कुटी हुई घर की कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, घर की कुटी हुई, क्योंकि बाजार की जो मिर्च होती है उसके अंदर बहुत पता नहीं क्या क्या बीज में पिसा होता है, यानी कि वो मिलावट शुदा होती है। और ये घर की कुटी हुई हल्दी है, घर में हल्दी कूट के आपने इसको किसी चीज़ में छान लेना है चलने में, ये घर की कुटी हुई हल्दी है, ये घर का कुटा हुआ पत्थर वाला नमक है, जो हमारा नमक नहीं होता, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। आग थोड़ी सी हल्की कर लेनी है ताकि मसाला जले नहीं। ये हमारा सूखा धनिया है जो हमने भून के कूट लिया है, ये थोड़ी सी हम इसके अंदर थोड़ा सा रायता ना शामिल करेंगे पीच चुटकी के बराबर, ये थोड़ी सी अजवाइन हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अब इस हम मसालों को भून लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, इसके अंदर हम एक कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और जले नहीं। ये देखें, ये इस टाइप का ये जो है आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, मसाला तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह 5 मिनट तक आप भून लें ताकि सब चीज़ें अंदर अच्छी तरह पक जाएं और कोई भी चीज़ इसके अंदर कच्ची ना रहे, यानी कि कच्चा टेस्ट ना आए। ये देखें गाइस, ये हमारा मसाला भून चुका है, यानी कि आपने देखना है कि जब मसाला घी छोड़ दे, ये देखें मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो जब हमारा मसाला घी छोड़ दे तो आपने उसके अंदर जो आपने भिगे हुए चने होंगे, आपने जो चने हैं काले चने वो रात में भगो देने हैं गर्म पानी में, रात में आपने गर्म पानी में भगो देने हैं ताकि चने नरम हो जाए और पकने में आसानी हो। आपने देसी चने लेने हैं, यानी कि देसी चने बारीक बारीक होते हैं, छोटे चने होते हैं, वो टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और पकते भी मजे के, और उनमें ताकत भी ज्यादा होती है। अब इनको आपने भून लेना है, इनको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और बाद में इसको भून लेना है। अच्छा, ये देखें 20 से 25 मिनट आपने इसको भून लेना है। ये भूनने के बाद जो चने हैं वो घी छोड़ देंगे। 25 से 30 मिनट भी आप इसको भून सकते हैं ताकि अच्छी तरह ये चने अंदर भून जाएं। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, यानी कि जितना आपने शोरबा या सूप बनाना है उस हिसाब से आप अपनी मर्जी से पानी ऐड कर दें। अगर आपने इसको चावलों के साथ खाना है तो इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखें और पतला शोरबा बनाएं। अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो इसमें पानी की मिकदार कम रखें और ग्रेवी वाला शोरबा बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, अब ये चने अच्छी तरह भून चुके हैं। भूनने के बाद ये कुछ इस तरह के इस कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि मसाला बीच में रच बस जाएगा। चलो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना हसबे ज़रूरत आपको पसंद हो शोरबे के लिए, यानी कि सूप के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ वाइट बॉइल्ड राइस बनाऊंगी, क्योंकि इसको आपने पानी डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक पकाना भी है, तो कुछ पानी जो है वो अंदर ड्राई हो जाएगा और बाकी जो पानी बचेगा वो शोरबा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये इस चलें अब इसको हल्की आंच पर
25 से 30 मिनट छोड़ देना ताकि चने बिल्कुल नरम हो जाए। मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ 25 मिनट बाद। तो हमारे 30 मिनट पानी डाल के इसको पका लिया, तो ये हमारे चने तैयार हैं। हम अब इसको हम बाउल में निकाल के तो धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो अब हम इसको, ये मेरे होम गार्डन यानी कि मैंने घर में सब्जियां लगाई हुई हैं जिससे ये धनिया पत्ता है, फ्रेश धनिया पत्ता है, तो हम इसको ज़्यादा सारे धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। तो गाइस ये हमारे चनों के सालन की फाइनल लुक है, ये फाइनल लुक है हमारे चनों के सालन की। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। मैं आपको दूसरे तरीके से भी काले चने का सालन बनाना सिखाऊंगी। शुक्रिया गाइस, अल्लाह।